conception से Hey, how it's going, everybody? It's your friendly neighborhood of guys. I'm back again. तो guys, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है. तो guys, मैंने आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड की थी जो कि थी बियॉन्ड द बाउंड्री के सीजन 2 रिलेटेड के बारे में. तो guys, उस वीडियो का सीन पानी ऐसा हो गया कि उसमें मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया. और guys, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसा कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, वो भी इतनी जल्दी. तो इसीलिए गाइस, मैं अब ये क्लिप वगैरह दोबारा यूज़ नहीं करने वाला. मैंने एक बार रिस्क ले लिया है और मैं बार बार बचा हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक से. ये गाइस, ये कॉपीराइट क्लेम है, मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ, वो इधर है. आप लोग देख सकते हैं कि मुझे एक कॉपीराइट क्लेम आ चुका है. लेकिन गाइस, ये क्लेम है, इससे मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी तो होने वाली नहीं है. लेकिन गाइस, फिर भी अब से मैं क्लिप्स वगैरह यूज़ नहीं करने वाला हूँ. मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं कॉपीराइट स्ट्राइक को बिल्कुल खत्म करना नहीं चाहता. तो मैं बस एक बार सोच रहा था कि एक बार मैं इसे ट्राई कर लूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें ज़्यादा कुछ क्लिप्स वगैरह दिखे ना. और मैंने पूरी कोशिश की थी और ज़्यादा मैंने उसे ब्लर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एक कॉपीराइट क्लेम आ गया. तो गाइस, इसके बाद से अब मैं कोई भी एनिमे क्लिप यूज़ नहीं करने वाला और मैं इसी तरह से आपको न्यूज़ देता रहूँगा ताकि मेरा चैनल बचा रहे, आप लोगों को न्यूज़ मिलती रहे. आई एम सॉरी गाइस, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. अब कंपनी ने कॉपीराइट क्लेम मुझे लगा दिया है ऑलरेडी, अब मैं और कोई रिस्क ले नहीं सकता. तो बिना किसी देर के अब हम वीडियो शुरू करते हैं. तो मैं यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ और अब बात करते हैं बियॉन्ड द बाउंड्री के सीज़न 2 के बारे में. तो गाइस, ये एनिमे आया था 2013 में और इसका फाइनल लास्ट एपिसोड एयर हुआ था 2014 में. और गाइस, जो लोग इस एनिमे को जानते हैं, जिन लोगों ने एनिमे देखा है, उन लोगों को पता ज़रूर होगा कि ये एनिमे कितना ज़बरदस्त है और कितनी सैड स्टोरी है इसकी और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी भी है, मतलब डरावना. तो गाइस, अगर मैं बात करूँ इस एनिमे के सीज़न 2 की, तो गाइस, अब तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूमर हैं जो कहते हैं कि ये 2021 में आएगा या फिर 2022 में आएगा. लेकिन गाइस, अब तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं मिली है, ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है. और गाइस, इस एनिमे के करीब तीन लाइट नॉवल्स हैं. और गाइस, मैं मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आखिर कितने लाइट नॉवल्स या फिर कितने वॉल्यूम्स इस एक सीज़न में यूज़ हुए हैं. तो इस हिसाब से मैं नहीं जानता कि क्या इसके लिए सोर्स मटीरियल बचा है या फिर नहीं. और गाइस, ये ऑलरेडी एक मूवी से इंस्पायर है. उस मूवी का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, कि मतलब बहुत अजीब नाम है भाई, मतलब बस प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा. आई एम सॉरी, आप लोग ऑफेंड मत होना. तो गाइस, मैं आपको दोबारा एक और बार कहता हूँ, इसके सीज़न 2 के बारे में अब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन है. तो गाइस, सिंपली हम बस एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि इसका सीजन 2 आएगा. और गाइस, दिस एनिमे इज़ ओनली फॉर 16+. गाइस, इसमें खून खराबा बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रीपी स्टोरीज वगैरह चली होती है इसमें. नियरली कहूँ एनिमे बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों के देखने के हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है. बहुत ही एक तरफ से बहुत ही सैड है और काफ़ी ब्लड भरा हुआ है इसमें. तो बच्चे इसे ना देखें, मेरा काम से बताना था, सुनना आपका काम है. तो गाइस, ये था आज की न्यूज़ में. और गाइस, मैं दोबारा कहूँगा, मैं एनिमे क्लिप्स दोबारा यूज़ नहीं करने वाला. आई एम सॉरी, मुझे एक कॉपीराइट क्लेम दोबारा ऑलरेडी आ चुका है. अगर स्ट्राइक आ गया तो नियरली शायद मुझे हार्ट अटैक भी आ जाए. तो ये था आज की वीडियो में. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए अगर आप सच्चे एनिमे फैन होंगे. तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट तगड़ी वीडियो में. तो बाय.